अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल L4 प्रो जो है इसकी फ्लैश फाइल किस तरह रीड की जाती है। उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक तो MTK के ड्राइवर और दूसरा मैगल का क्रैक। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेना है, ओपन के बाद आपने रीड के ऊपर क्लिक करनी है। अगर तो आपने राइट करना है तो राइट के ऊपर क्लिक करके फ्लैश फाइल दे देनी है जी। दोस्तों फ्लैश फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। रीड के ऊपर मैंने क्लिक की है और स्टार्ट का बटन दबाया है। अब मैं मोबाइल भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल MTK का, इसलिए बूट की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली USB लगा देनी है। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने USB प्लग इन की है तो टूल ने नीचे एक लाइन चलानी शुरू कर दी है। ये लाइन जब पूरी होगी दूसरी तीसरी दफा तो ये फ्लैश फाइल हमें दे देगा। तो दोस्तों आप ये आप देख सकते हैं फ्लैश फाइल आ चुकी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह राइट भी करनी है जैसे मैंने रीड की है, आपने इस तरह राइट के ऊपर क्लिक करके फ्लैश फाइल ऐड करनी है नीचे से और स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।